देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 2 इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कुछ एंट्रीज इस कदर हैं ठीक है सेटिस्फाइज ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई देन द वैल्यू ऑफ ए ए बी सी कैन बी। अब आप देखो एक एक तरीका आपको बुक में दे रखा है दूसरा तरीका हम बताते हैं बहुत आसान ठीक है दोनों तरीका लगभग सेम ही इफर्ट है लेकिन इस बुक वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है मेरे वाले में कैलकुलेशन कम है। एक और कंडीशन जो आपके साथ दे रखा है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई ठीक है। अब आप ध्यान से देखना पहले ये जो गिवन है इसको यूज करते हैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट 1 इसको ए ट्रांसपोज ए 1 आप जानते हो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के बराबर ही होता है तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये रिजल्ट आपके पास आ गया ठीक ओके। अब आप देखो ये गिवन मैट्रिक्स है आपका हमने क्या किया रो ऑपरेशन किया फर्स्ट रो के साथ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री क्या बन गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड ए प्लस बी प्लस सी ये बन गया हमारा ठीक है रो ऑपरेशन किया। अब हमने रो ऑपरेशन के साथ अगला में ऑपरेशन करते हैं सी टू माइनस सी वन और कॉलम के साथ ऑपरेशन करते हैं सी थ्री माइनस सी वन क्यों किया ताकि मुझे यहाँ पे जीरो बन जाए और मेरे को आसानी से क्या हो जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल सके। ये क्यों किया था रो ऑपरेशन इसलिए किया था ताकि ए प्लस बी प्लस सी मुझे मिल जाए क्योंकि इसका मुझे यूज आएगा। अब आपको बताते हैं इसका यूज कैसे आपके पास गिवन क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 2 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी आपको पता है क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी मुझे यहाँ दिखा था इसलिए मुझे ख्याल आया कि ये रो ऑपरेशन मुझे करना है जो कि ए प्लस बी प्लस सी मुझे मिल जाए वो मुझे मिल गया इसलिए हमने ये चीज किया यहाँ पे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इसके अक्रॉस ठीक है क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी यह आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ठीक है प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी ये हमारे पास आएगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये रिजल्ट देखना ठीक है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स इसको लिख लेते हैं माइनस इसमें से फैक्टर आउट कर लो तो माइनस हमने यहाँ फैक्टर आउट कर लिया तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो एक प्लस टू बी सी एक माइनस बी सी बी सी बन जाएगा माइनस बाहर ले लिया माइनस बी सी माइनस सी आ गया। देखो ये एक्सप्रेशन हमें ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है इसका मतलब ये गिवेन है ये ए बी सी मुझे फाइंड आउट करना है तो हम इसके बराबर इसको लिख दें तो माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर टू माइनस थ्री टाइम्स ए बी सी यही मुझे पूछ रहा है इसको वेरिएबल मान लेते हैं एक्स ठीक और मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या है प्लस माइनस वन ठीक है एक बार आप प्लस वन ले लो एक बार माइनस वन ले लो ठीक है ये दोनों को सॉल्व कर लो ठीक है। अब आप देखो एक बार प्लस वन लेंगे एक बार माइनस वन लेंगे मान लो हमने पहला बार में माइनस वन लिया तो माइनस माइनस कट जाएगा टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री पहला सॉल्यूशन ठीक। दूसरा अगर हमने इसमें प्लस वन लिया तो वन इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री एक्स तो एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप देखो इसमें से आप कहोगे कि एक्स इज इक्वल टू वन ऑप्शन में नहीं है एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री है इसको तो टिक कर देंगे आ गया आपके पास आंसर ठीक है।